मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि इमरान खान ने जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस बनवाने के लिए सरधड़ की बाजी इस उम्मीद पर लगाई हुई है कि वो आते ही फरवरी 2024 के इंतखाबात को कलदम करार दे देंगे और हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। बीबीसी के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिये में आसमा शिराजी कहती हैं कि इमरान खान जानते हैं कि आईनी अदालत के क्याम से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद उनकी मुट्ठी में बंद ताकत टूट जाएगी, जबकि मतवक्को तब्दीलियों की सूरत में मतलूबा नतायज का हुसूल भी मुमकिन है। इस बात का इजहार वो पहले ही कर चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आते ही इलेक्शन 2024 के नतायज का रदम करार दिए जा सकते हैं। यह कम से कम चार हलके खुल जाने से मरियम नवाज की हुकूमत खत्म हो सकती है, जबकि ऐसा ना होने की सूरत में इनकी रिहाई का मामला भी खटाई में पड़ सकता है। आसमा शिराजी के बकौल इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत को काबू में लाने के लिए कोई आखिरी कदम उठाया जाए। गवर्नर राज के नफाज का ऑप्शन भी मौजूद है, ताहम ये बैक फायर कर सकता है। वजीर आला गंडापुर पर नाहली की तलवार भी लटक सकती है। उनके खिलाफ पहले ही इस्लामाबाद में एक पुलिस वाले के कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 149 का इस्तेमाल अमल में आ सकता है, जिसके मुताबिक वफाक सूबों को मखसूस हालात में कंट्रोल कर सकता है। गंडापुर के हालिया इकदाम और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इस आर्टिकल के नफाज के इम्कान बढ़ा रही है। आसमा शिराजी के मुताबिक कहानी के सब किरदार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हिदायतकार, कहानीकार, ड्रामा साज अपने अपने किरदारों को जान की बाजी लगाने का कह चुके हैं। यूं समझिए इख्तियारत के इस खेल में किरदार अहम और इख्तियार बेमायने हो चुका है। बका की लड़ाई दिलचस्प भी है और खतरनाक भी। सियासी और रियासती जोर आजमाई के मुकाबले में किसके बाजू में कितना दम है ये हाथों को भी नहीं मालूम। पहले आंख कौन झपकेगा पुतलियां भी बेखबर हैं। दरअसल झगड़ा आईनी तरमीम का नहीं बल्कि शख्सियत पसंदी का है। अब खेल शख्सियात के गिर्द क्यों घूम रहा है ये जानना भी जरूरी है। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा को तौसी देना चाहती है, जबकि इमरान खान जस्टिस मंसूर अली शाह की पुश्त पर हैं। यूं दोनों धड़े शख्सियात के गिर्द हैं। ये सवाल अपनी जगह अहम है कि एक धड़ा अगर मंसूर अली शाह को रोकना चाहता है तो दूसरा धड़ा क्यों चाहता है कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बने। शारह दस्तूर की बड़ी इमारत के दो बड़े यानी सदर और वजीर आजम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हामी थे, तो फिर एक शख्सियत ऐन वक्त पर दूसरे धड़े में क्यों शामिल हो गई? ये तब्दीली उसूलों पर थी या कोई और उसूल कार फरमा हुए? जो शख्सियत बाहम मुत्तफिक करने में किरदार अदा कर रही थी, इनसे वादा क्या हुआ? ये कहानी भी दिलचस्प है। आसमा के बकौल आईनी पैकेज की डील में सब कुछ था, मगर जिनसे वोट लेना था इनसे मशवरा शामिल ना था, और यूं वो जज साहबान जो घर के भेदी थे उन्होंने ही लंका ढा दी। एक तरफ फौज के लिए आईनी अदालत और फौजी अदालतों का क्याम मजबूरी बन चुका है, तो दूसरी जानिब इमरान खान मुंह पर हाथ फेरकर इन तरामीम को रोकने के दर पे हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम का पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर हो जाए। यूं समझिए डी चौक की ताकत का इस्तेमाल डी डे से बचने की एक कोशिश है। यही वजह है कि हुकूमत शिंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले इस कोशिश में होगी कि आइंदा एक हफ्ते को ज़ाया ना किया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान जानते हैं कि शिंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुकूमत को दबाव में लाने का एक सुनहरी मौका है। अगर इनके जल्द से जुलूसों की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती है तो इस कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद खतरे में पड़ जाएगी, जिसे इमरान खान अपनी कामयाबी तस्वूर करेंगे। वो समझते हैं कि ऐसे में फौज दबाव में आकर उनके साथ मुजाकरात शुरू कर देगी। आसमा शिराजी कहती हैं कि बुरा हो वक्त का जो रेत की मानिंद हाथ से फिसल रहा है। एक जानिब शिगाई तामून तंजीम का अहम इजलास होने जा रहा है तो दूसरी जानिब 25 अक्टूबर की जादुई तारीख करीब आ रही है, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा की रिटायरमेंट होनी है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनना है। अक्टूबर की 25 तारीख के बाद कोई एक सितारा उभरेगा और कोई एक डूबेगा, और इससे कबल कहानी खतरनाक मोड़ इख्तियार कर सकती है। लिहाजा देखना यह है कि हुकूमत मुजवजा आईनी तरमीम का पैकेज मंजूर करवाने में कामयाब होती है या नहीं।
YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।